Hey guys, welcome back to my channel. आज की बात बहुत ही खुशी की है क्योंकि मुंबई के सबसे हैपनिंग इवेंट के बारे में जो बहुत ज्यादा टाइम से लोग इंतजार कर रहे थे, मेट्रो लाइन 2A और लाइन 7 का इनॉग्रेशन जो प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हुआ, ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है मुंबई के लिए क्योंकि ये 46 किलोमीटर नेटवर्क कंप्लीट होने में 18 साल लग गए। ये नए मेट्रो लाइन सिर्फ मुंबई के लिए ही नहीं एक गेम चेंजर है बल्कि ये प्रोग्रेस और डेवलपमेंट का प्रतीक थी। ये लाइंस मुंबई के सबसे बिजी जगहों को कनेक्ट करेगा और लोगों को सिटी में ट्रैवल करने में बड़ी सहूलियत दी, जो मुंबई का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है अभी। इवेंचुअली मुझे खुद को मीरा भाईंदर से अंधेरी वन साइड आने में 1.5 से 2 घंटे लग जाते थे पीक आवर में। तो समझते हैं लाइन 2 के बारे में, जिसको येल्लो लाइन भी कहा जाता है, जो दहिसर ईस्ट से अंधेरी वेस्ट तक कनेक्टेड है और लाइन 1 डीएन नगर मेट्रो स्टेशन से जुड़ी हुई है। ये लाइन बोरिवली, मलाड और अंधेरी जैसे को कनेक्ट करेगी। ये लाइन वेस्टर्न सबर्ब्स के लिए भी मददगार साबित होगी जो हाई पोल्यूशन डेंसिटी के लिए जाना जाता है, और लाइन 7 जिसको रेड लाइन भी कहा जाता है, दहिसर ईस्ट से गुंडवली मेट्रो स्टेशन तक चलना है और लाइन 1 WEH मेट्रो स्टेशन से कनेक्ट होता है। ये लाइन मीरा भाईंदर जैसी रैपिडली ग्रोइंग एरिया को कनेक्ट करेगा। ये लाइन ईस्टर्न सबर्ब्स के लिए भी सपोर्टिव होगी जो इंडस्ट्रियल और कमर्शियल एरियाज के लिए जाना जाता है, और इसके काम जोरों में चल रहे हैं। उम्मीद करते हैं 2024 के एंड तक शुरू हो जाए। दोनों लाइन्स में सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और फीचर्स हैं जो कि देश के सबसे एडवांस मेट्रो सिस्टम्स में से एक है। ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन से लेकर CCTV सर्विलेंस तक सब कुछ है, और प्लस ऑनबोर्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम्स जो पैसेंजर्स को नेक्स्ट स्टॉप और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन डायरेक्शन के साथ पता चल जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात फेयर प्राइस। जी हाँ, क्या आप गेस कर सकते हैं कितना होगा? चलो मैं ही बता देता हूँ। मिनिमम फेयर शुरू होता है 10 रुपए और मैक्सिमम फेयर होता है 60 रुपए तक। ये डिस्टेंस और टाइमिंग के स्लैब्स के हिसाब से होगा। ये फेयर स्ट्रक्चर सभी सिटीजन्स के लिए अफोर्डेबल किया गया है। मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ, मैं आज इनॉग्रेशन सेरेमनी अटेंड कर पाया, और सीरियसली ये एक ग्रैंड अफेयर इवेंट था। प्राइम मिनिस्टर ने पहली ट्रेन को फ्लैग ऑफ किया, और ये मोमेंट सभी मुंबईकरों के लिए जो इस दिन के लिए इंतजार कर रहे थे बड़ा इमोशनल था। काश वो फील मैं आपको डिस्क्राइब कर पाता। फुल ऑन पॉजिटिव दोस्तों, फुल ऑन। तो अगर आप मुंबई में हैं या फिर आ रहे हैं तो ये नए मेट्रो लाइन्स लेने की जरूर आइएगा, क्योंकि अभी मौका भी है और सिटी एक्सप्लोर करने के लिए अच्छा तरीका भी, और आपके प्रवास को भी कन्वीनियंट बनाएगा। और एक बात मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आप इस सिटी को एक अलग पर्सपेक्टिव से देखेंगे, जो बिल्कुल इंटरनेशनल लेवल जैसा हो गया है, और मुंबई का अलग अलग जगह और कल्चर को एक्सपीरियंस करेगा बिना हाई कॉस्ट के। तो होप यू गाइस एंजॉयड दिस वीडियो, गिव इट अ थम्स अप इफ यू डिड, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। जय हिंद, जय भारत। देख